आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही जोश रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखने वाले हैं, व्हाट प्रॉब्लम है। एक टैक्सी है, टैक्सी चल रही है एक नगर के बीच में। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर, ये दो बातें हमें इस क्वेश्चन में निकाल के बतानी है। ऑल राइट, तो अगर तुम्हें कुछ, इफ यू डोंट नो समथिंग व्हाट इज द आर्टिकल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आर देयर, तो उसको हम वी आर कंसिडरिंग व्हाट, हम उसे एस कंसिडर करेंगे। एंड चार्ज भी हमें पता नहीं तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वाई। ट्वेल्थ में एक चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ट्वेल्थ में वहां पर हमें एक टैक्सी के साथ साथ एक और व्हीकल रन करता है, वो बाइक हो सकती है, बाइसिकल हो सकता है, तो वहां पर हम एक्स वाई जेड लेते हैं। आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर बाइक आप मैथ्स लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए होने वाली है, लेट बी द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। एक गाड़ी जब टैक्सी रन कर रही होगी उस कंडीशन के अंदर, हम उसे स्पीड किस यूनिट में मेजर कर रहे होंगे, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से हम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उस कंडीशन में हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसी ने कहा कि आप हमारे पास जो भी व्हीकल हैगा वो किलोमीटर पर आवर में रन कर रहा है और आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंडीशन में, 5/18 का। सर अगर मीटर पर सेकंड से रिवर्स बोल दिया जाए, इसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर देना, दैट मींस 18/5 का कर दो। यहां पर हमने कंसीडर कर लिया चार्ज पर किलोमीटर को वाई, जाहिर सी बात है, लाजमी बात है एकदम, अगर फिक्स चार्ज हमारा एक्स होगा तो चार्ज पर किलोमीटर हमारा वाई होगा, बिल्कुल फिट बात है सर। ये सब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया गया जो भी पैरामीटर है, जो भी वहां पे घटना दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर कर रहे हैं। आगे हमसे बोल रहे वो कि यहां पर क्या बोल रहे हैं वो आगे, एक्स, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है, फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है, फिक्स चार्ज कितना है हमारा, कितना है, एक्स है, प्लस और चार्ज पर किलोमीटर कितना है बेटा, यहां पर हमारा फर्स्ट कंडीशन में 10 रुपए भाड़ा ले रहा है वो, समझ में आ रहा है आपको। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपसे भाड़ा कितना लिया जाएगा, 10 रुपए लिया जाएगा। 2 किलोमीटर चलोगे 20 रुपए लिया जाएगा। चार्ज पर किलोमीटर कितना है अभी फिलहाल हमारा, अभी इनिशियली कितना है बेटा, 10/5 इज इक्वल टू 105। फिक्स चार्ज कितना हैगा, ये हमारा फिक्स चार्ज, और ये क्या आएगा सर, ये हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, दोनों मिला के कितना रुपया ले रहा है बेटा वो आपसे, 105। ऑलराइट, ये बात स्पष्ट है एकदम। आगे जाते हैं तो वो
क्या बोलता है भैया आगे की कंडीशन में बोलता है वो, यस एग्जैक्टली 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया मांगता, 2 किलोमीटर जाने का 20 रुपया, 15 किलोमीटर अगर आप यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, उस कंडीशन में वो आपसे कितना रुपए मांग रहा है? 1 का 10, 2 का 20 और 15 का कितना 155। फिक्स चार्ज कितना रखा है ड्राइवर ने इस बार? हाउ मच? वी कैन से सर एक्स रखा है। सेकंड कंडीशन में भी क्या रखा है? एक्स ही रखा है उसने, प्लस का निशान। सेकंड कंडीशन में चार्ज पर किलोमीटर उसने कितना कर दिया? 15 वाई इज इक्वल टू 155 रुपीज। 10x + 10y यानी कि 10 किलोमीटर का चार्ज देगा 105 रुपए। जैसे ही तुम 10 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करोगे उस कंडीशन में आपको किराया 155 रुपए का भुगतान करना होगा। ये बात स्पष्ट है एकदम? थोड़ी आवाज आएगी आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांग पाऊंगा बेटा, यहाँ पर ध्यान लगाइए। आइए इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहे हैं हम बेटा। x = x + 10y = 105। x = 105 - 10y। इक्वेशन नंबर सेकंड दिखाई दे रही है। x की जगह पर बेटा क्या आएगा? 105 माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 15 माइनस 10 प्लस 5y, 15 में से 10 घटाओगे 5 ही आएगा। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 105। 5 y = 0, 5 में से 0 आएगा 5, 10 दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस और नो ड्रीम बिलीव अच्छी। अब हम यहां पर y की वैल्यू ट्रेन का पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन। आइए x + 10 × 10 = 105। x 10 × 100 So we get the charge, fixed charge, charge 5 and charge per kilometer, charge
पर किलोमीटर ₹10। गेटिंग?